नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक नए वीडियो में। और अभी मैं हूँ KG आर्ट्स एंड साइंस कॉलेज रायगढ़, मतलब कि डिग्री कॉलेज के पास में। और यहाँ पर मैं अभी प्रैक्टिकल एग्ज़ाम जमा करने आया हूँ। तो आज के वीडियो में मैं आपको डिग्री कॉलेज घुमाने वाला हूँ। तो दोस्तों बने रहिए इस वीडियो में, मैं आपको पूरा घुमा के बताऊँगा क्या क्या है इस कॉलेज में। और बता दूं कि यहाँ पर सबसे पहले आर्ट्स एंड साइंस की मतलब सब्जेक्ट था, अभी जो है कॉमर्स का भी और आपका BCA का भी कोर्स जो है वो भी चलता है। तो ये देख लीजिए, ये है मेन गेट। दोस्तों अभी मैं डिग्री कॉलेज के अंदर अभी हूँ, जस्ट आप गेट में घुसेंगे तो यहाँ पर अभी लकड़ियाँ वकड़ियाँ रखे हुए हैं, ये इसका मेन गेट है। वहाँ से एंटर होने के बाद ये देखिए यहाँ पर क्या जमा हुआ, और इधर बाइक को एक रखा हुआ है। चलिए आपको आगे चल के दिखाता हूँ क्या क्या। ये झंडा है गाड़ने के लिए, खम्बा है, और आप देख सकते हैं कॉलेज का कंडीशन कैसा है। ये लॉकडाउन के बाद वाला दृश्य है। ये देखिए अभी जो है काम वाम चल रहे हैं, आप देखिए यहाँ पर छड़ कटाई चल रहा है। आगे चल के दिखाते हैं, ये गेट है तो प्रिंसिपल लैब मतलब प्रिंसिपल चैम्बर इधर रहेगा। और आप पीछे आगे चलते हैं, ये बाइक स्टैंड है, और देखते हैं यहाँ पर अभी बहुत ज़्यादा जंगल है। ये भी यहाँ पर बाइक को एक रखने का काम आता है, यहाँ भी जंगल बना हुआ है। और उधर आपको एक दिख रहा होगा बिल्डिंग, आपको चल के दिखाता हूँ क्या है। उसके अगल बगल रोड बना हुआ है, और ये जो है ये वाले स्टेज है। और गेट है यहीं पर, यहाँ पर देखिए एक गेट है और यहाँ भी एक गेट है। आपको आगे चलते हैं दिखाता हूँ और कुछ। ये ऑटोनोमस ऑफिस है हम लोगों का, यहाँ पर कुछ कुछ फॉर्म वॉर्म जमा करना होता है, वो सब हम लोग यहाँ जमा कर देते हैं। देख सकते हैं इसका कंडीशन। ये देखिए यहाँ का जो बरामदा है, आपको एक आप क्लासरूम चल के दिखाता हूँ, इधर आपको एक क्लासरूम दिखाऊँ। तो अभी जो है ये देखिए काम चल रहा है, ये पेंट वेंट अभी जस्ट हुआ है, और ये कॉमर्स का क्लास चल रहा है इधर। ये देखिए दोस्तों ये एक क्लास है, अभी जो है कंडीशन आप देख सकते हैं यहाँ पर अभी कैसा कंडीशन है। यहाँ पर देखिए पंखे और लाइट लगे हुए हैं, ये 5 पंखा है। और यहाँ पर हम लोग क्लास में पढ़ चुके हैं, फर्स्ट ईयर जो था यहाँ पर, ऐसे फिर कोविड की वजह से 2 क्लास नहीं लिए। ये देखिए दोस्तों ये कॉलेज का आंगन मान के चलिए, यहाँ पर एक कुआं भी बना हुआ है। तो ये अभी सफाई कर दिया गया है, नहीं तो इसमें बहुत बड़े बड़े पेड़ उग गए थे। देखिए ईटा वीटा रखा हुआ, ये हमारा केमिस्ट्री लैब आगे आने वाला है, पूरा मरम्मत चल रहा है इसका। अभी तक आपने जितना भी वीडियो देखा, मतलब जितना तक देखे वो जो है पुराना बिल्डिंग था, उसके साथ में अभी एक्सटेंड किया गया है वो दिखाने वाला हूँ। यहाँ पर ये देख सकते हैं एक बरामदा है, और मैं सेमिनार हॉल के पास हूँ। यहाँ पर देखिए खिड़की उड़की थोड़ा अच्छा लगा हुआ है, ये देख सकते हैं खिड़की कांच वाँच लगा हुआ है, ये खिड़की देख सकते हैं, तो इसमें अच्छा इम्प्रूवमेंट किया गया है। आगे आपको बताऊंगा जो अभी नया जो क्लास बना है वो कैसा बना है। ये जियोग्राफी MA डिपार्टमेंट क्लास है, और ये डिपार्टमेंट ऑफ जियोग्राफी है इधर, आगे दिखाता हूँ। चलिए देखिए अभी दोस्तों ये नया बिल्डिंग का क्लासरूम है, इसका कांच वाँच और पेंट देख लीजिए। अभी मैं रूम नंबर 9 में हूँ, जो कि 2nd फ्लोर में है। तो यहाँ का कंडीशन क्लास को देख सकते हैं, थोड़ा साफ सफाई और नीट एंड क्लीन है, क्योंकि नया बना हुआ है। नीचे देखिए
ये देखिए दोस्तों, यहाँ का प्लेग्राउंड, आगे बास्केटबॉल दिख रहा है, बास्केटबॉल ग्राउंड, और ये क्रिकेट ग्राउंड, फुटबॉल ग्राउंड भी है, आपको इसमें दिखाई नहीं दे रहा हूँ। देखिए ये सेकंड फ्लोर का बरामदा है, यहाँ पर चेयर रखा हुआ है कुछ कुछ, ये सीढ़ी है सेकंड फ्लोर जाने का, ऊपर का कनेक्शन देखिए, कनेक्शन ऊपर का कंडीशन देखो, और यहाँ का देखिए, क्योंकि अभी पूरा मरम्मत चल रहा है। दोस्तों मैं आपको यहाँ पर एक कांच भी लग चुका है, ये जो अपने टाइम में थे तो ये लगा नहीं था, ये देखिए रेलिंग वाला कांच लग चुका है, और ये देखिए यहाँ पर ग्रीन बोर्ड लगा हुआ है, और ये स्टेज है क्लास का। दोस्तों इधर ऑफिस है, और यहाँ भैया लोग जमा करने आए फॉर्म, तो वही जमा कर रहे हैं। इधर है ऑफिस, ये मेरे पीछे पीछे में प्रिंसिपल चैम्बर है। तो दोस्तों अभी मैं आया हूँ हॉस्टल की तरफ, और हॉस्टल का सीन दिखाता हूँ। ये इसका गेट है, और यहाँ पर भी एक हॉस्टल है, दोनों सेम ही है, और मतलब कुछ कुछ रखने का अलग से कैटेगरी बना हुआ है इन लोग का। एसटीएससी वालों के लिए ये हॉस्टल है, और मेरा दोस्त भी यहाँ रहता है। अभी तो खैर हॉस्टल बंद है, तो मैं आपको दिखाता हूँ हॉस्टल। ये हॉस्टल यहाँ का, और इधर रूम है, उधर बाथरूम है, और ये आंगन, और इधर भी रूम है, बाथरूम है। तो दोस्तों हॉस्टल में दिखा नहीं पाया, क्योंकि अभी हॉस्टल जो है, मेरे दोस्त लोग पहले रहते थे, अभी नहीं रह रहे हैं और बंद है, समझ जाओ हॉस्टल उन लोग का। अभी क्लास जब स्टार्ट होगा तो हॉस्टल जो खुलेगा, और मैं बता दूं कि ये एसटीएससी लोगों का ही इसमें सिलेक्शन होता है, परसेंट के बेसिस पे सिलेक्शन होता है, इसके लिए फॉर्म भरना पड़ता है, फॉर्म भरेंगे कॉलेज से, फिर उसके बाद आप मेरिट लिस्ट में सिलेक्शन हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं जो भी नए हैं, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर प्रेस करें।